वजह है आप लोगों के आने की और क्या कहना चाहेंगे? मैं अंजुमन फैजुस्सलाम गर्ल्स स्कूल माहीगिरी थाने से आई हूँ। शमी भाई के ऑफिस में आने की वजह ये है कि आज मैं उनको सत्कार करने स्पेशली खुद आई हूँ। मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चियाँ, मेरा गर्ल्स स्कूल है और काफ़ी बच्चियाँ जो है वो भास्कर नगर से आती थी हैं और उनको आने जाने को, एक तो गरीब बच्चियाँ और उनको आने जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम था। आपने कोरोना की वजह से देखा है कि हर कोई परेशान है और वो बच्चियाँ पढ़ना चाहती थी और मेरा मकसद है कि मेरी गाँव की लड़कियाँ ज़रूर एटलीस्ट मेरे यहाँ रहते हुए 10वीं पास करें और माशाल्लाह पिछले 10 सालों से मेरे स्कूल का रिजल्ट 100% है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्ची मेरे गाँव की, मेरे स्कूल में जो आ रही है वो 10वीं पास करे। और इन बच्चियों को काफ़ी तकलीफें थी, ऑटो का पैसा बहुत लगता था, आने जाने के खर्च ज़्यादा होने की वजह से वालदैन उनकी स्कूल नहीं भेज रहे थे। फिर हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम अपनी गवर्नमेंट की बस शुरू की जाए, तो मैंने बोला कौन करेगा, तो बोले कि अगर हम लोग कोशिश करें। तो पहले जितेंद्र अवार्ड साहब से हम लोगों ने लास्ट ईयर भी मुलाकात वगैरह की, वहाँ पर भी गए, लेटर वगैरह दिया, मगर किसी वजह से अल्लाह को मंजूर नहीं था तो उस वक्त बस नहीं शुरू हुई। फिर मेरी टीचर नूरुन्निसा शेख करके है जो यहाँ मुमरा से ही जाती है, उसने बोली मैडम मैं कोशिश करती हूँ, मेरे यहाँ जो है शमीम खान साहब ये परिवहन समिति के सदस्य हैं तो मैं उनसे बात करके देती हूँ। तो मैंने लेटर दिया और उसके बाद में वो शमीम खान साहब के पास आई और उसने, शमीम खान साहब ने उसी दिन यकीन हमको इतना दिला दिया कि नहीं आपकी बस शुरू होगी। तो हमारे लिए उसी दिन ईद थी और इतनी खुशी हुई और कि वो बच्चियाँ जो इतने दूर से सफर करके आती थी उसमें थोड़ा वक्त लगा। आपको पता है सरकारी हर काम में वक्त लगता है, मगर शमीम खान साहब ने खुद जाकर वहाँ पर पास कराया, मेरे टीचर्स वहाँ उस दिन थे और हम लोग वहाँ थे और उसी वक्त हमको लेटर दिया और हमारा कल से बस शुरू हो गया। तो हमारी इंतहाई खुशी का कोई हमारा है ये नहीं था कि हमको इतनी खुशी हुई उस दिन, मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा कि बस शुरू हुई और 11 तारीख को बस शुरू हुई 11 मार्च को। और स्पेशली शुक्रिया अदा करने उसी सिलसिले में आई हूँ और चाहती हूँ कि आगे भी मुझे बहुत सारे काम है उस एरिया से, तो शमीम भाई हमारे साथ साथ रहेंगे ये उम्मीद पूरी है मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को है। और अवार्ड साहब के लिए भी हमने वहाँ पर रुका अवार्ड मैडम आई थी जो कि अवार्ड साहब के जरिए ही आई थी, अवार्ड साहब उस दिन इसलिए नहीं आ पाए कुछ वो उनका कोई प्रॉब्लम था, कोई दोस्ती वस्ती हाउस चला था कुछ तो उनका बिजी थे, उन्होंने तो उन्होंने वादा किया था कि वो जरूर आएंगे। से अभी आपकी जो मैडम है उन्होंने बताया कि जो है शमीम भाई की वजह से और माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब की वजह से जो है बस का आवागमन चालू हुआ, क्या कहना चाहेंगी इसको? देखिए गुज़िश्ता 5 सालों से हम लोग कोशिश में लगे हुए थे, बस करना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग अगर कुछ प्राइवेट के लिए भी कोशिश करेंगे तो मैं उसमें भी साथ दूंगा और ये बस के लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे, तो मैंने कहा कि आली जनाब शमीम खान साहब परिवहन समिति के सदस्य हैं, अगर हम उन लोगों से बात करके और बस के बारे में बच्चों की सारी प्रॉब्लम बताएंगे, क्योंकि वो जो बस्ती है वो बहुत ही मुफलिस और नादार तबके के लोग वहाँ पर आबाद हैं और खर्च इतना था एक रिक्शा के लिए एक बच्चे को 900 रुपये पेमेंट करने पड़ते थे मंथली और बच्चों के लिए मुमकिन बात नहीं थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के जैसे हालात जो थे वो इतने ख़राब हो चुके थे कि वालदैन के पास तो खाने के लिए कोई पैसा नहीं था, तो बच्चों को ट्रैवलिंग के लिए कैसे पैसे दे सकते थे। फिर हम लोग मैडम ने लेटर दिया मुझको, मैं शमीम खान साहब के पास में आई अपने बेटे के साथ में, मेरा बेटा मोहित उसने अपॉइंटमेंट लिया सर का, हम आए उसी दिन शमीम खान साहब ने कहा कि ठीक है हम लोग कोशिश करेंगे, मैं लेटर को फॉरवर्ड करता हूँ और उन्होंने उसी वक्त लेटर को फॉरवर्ड किया और फिर 10 तारीख को आपने वहाँ पर आकर खुद आकर सेंक्शन लेटर चेयरमैन से मंजूर करवा कर दिया। इसलिए हम पूरे स्टाफ की जानिब से, हमारी प्रिंसिपल साहिबा, हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ और बच्चों की जानिब से आली जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब का
वहाँ के जो नगर सेवक है मिलिंद पाटिल साहब, उसके बाद महेश सालके साहब और शमीम खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारे जो भी मसाइल रहेंगे बच्चों के ताल्लुक से, तो आप हमारी ज़रूर मदद करें। अंदरी जयराजपुर, जयराजपुरी इस पार्टी का परिवार है, सिपाही है डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के। आज हम लोगों का उन्होंने सत्कार करने के लिए शुएब भाई से बात किया था, रफीमुल्ला जी से बात किया था कि शमीम भाई का सत्कार करना है, आप लोगों का सत्कार करना है। इस विषय में मैं पार्टी ऑफिस आया और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि आप लोगों की मोहब्बतों के दुआओं के साथ आप लोग यहाँ मौजूद हैं सत्कार करने के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, पत्रकार भाई मौजूद हैं, कि ये क्या विषय है। देखिए, तकरीबन एक साल से वो फॉलोअप कर रहे थे और मैं परिवहन समिति सदस्य था और हूं, लेकिन विषय ये था कि देरी क्यों हुई इस बस को लेकर के। उसका रीजन ये रहा, आपा ने कहा कि एक साल से हम मंत्री जी से मिले थे और फॉलोअप कर रहे थे, काम को पूरा देने में हमें देरी हुई। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये डेलीगेशन हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से और मेरे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री से भेजने वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कंपनियों में नौकरी करने वाले लोग, यानी एक पिता एक माँ अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहती है, लेकिन वो स्कूल जो महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत रखता है, मुझे आज मालूम पड़ा। आपा मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके तमाम ट्रस्टियान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं भी जामिया इस्लामिया एक अदारा है उत्तर प्रदेश में, जिसका मैं नाज़िम आ गया हूँ और मेरी तालीम उर्दू से ही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे कामों में। तकरीबन मेरे यहाँ भी 350 बच्चे तालीम हासिल करते हैं मेरे अदारे के अंदर। मरहूम मेरे वालिद साहब ने उसे, वो पहले वो नाज़िम आला थे, उसके बाद मुझे उसकी जिम्मेदारी दी गई, तो मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। मैंने इसलिए वहाँ का बयान किया। तकरीबन 250 बच्चे इस स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। मुझे आज मालूम पड़ा कि थाने में आपका इस तरीके का एक बॉयज और एक गर्ल्स का स्कूल अदारा है, जिसमें तकरीबन महाराष्ट्र मुंबई में नाला सुपारा में एक है, मदनपुरा में दो है। मदनपुरा के बारे में मुझे भाई साहब ने बताया था, जब मैंने उनको लाकर के ये लेटर दिखाया कि भाई साहब ये लेटर की मंजूरी हो गई है, तो सैयद अली भाई साहब ने मुझे गले लगाया और मुझे कहा कि शमीम भाई, मैं मीडिया के माध्यम से आपको मुबारकबाद दूंगा और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नीलेश भाई यानी डिजिटल महाराष्ट्र को बुला करके उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी और मेरे कामों को सराहना दिया। इसके लिए मैं भाई साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लेटर दिखाने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ने कहा कि मदनपुरा में मैंने भी इस स्कूल में तालीम हासिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कुर्ला में दो ब्रांच है, विक्रोली में दो ब्रांच है, रत्नागिरी में दो ब्रांच है, रायगढ़ में दो ब्रांच है, सतारा में दो ब्रांच, ये तीन थाना है आपका। इस तरीके का टोटल आपने बताया कि 17 सेकेंडरी स्कूल और पुणे में कॉलेज है। तो मैं आपके इस तंजीम को मेरी पार्टी की जानिब से, मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 11 तारीख को यानी दो दिन के पहले भास्कर नगर में हमारी भाभी संघर्ष की महिला प्रेसिडेंट रूता आवाज साहबा के हाथों से इसको उद्घाटन किया गया बस का, और उसमें शामिल थे हमारे एक्स अपोजिशन लीडर मिलिंद पाटिल जी, वहां के तमाम नगर सेवक नगर सेविकाएं, मेरे सहयोगी साथी प्रकाश पाटिल जी शामिल थे, राष्ट्रवादी का परिवार शामिल था, उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया गया। मैं इसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब को। उन्होंने मुझे कहा था कि शमीम भाई, भास्कर नगर के उन बच्चों को जिन्हें तालीम हासिल करने के लिए अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल जाना है, उन बच्चों के लिए ये स्कूल के लिए बस चालू होना चाहिए। उनके आदेश के अनुसार मैंने इसे फॉलोअप किया और मेरे जो व्यवस्थापक हैं और मेरे चेयरमैन मनीष जोशी साहब का वो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी पूरी ये टीम जो एक दिन हम लोग सब गए थे वहाँ पे हमारे ऑफिस में, जो हमारा हेड ऑफिस है थाने में अपना पीएमडी का, वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी और उसी दिन हमको ऑर्डर मिला था।
तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जब मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने ये पोस्ट के लिए कहा कि शमीम भाई मैं ये चाहता हूँ कि आपको थाने टीएमटी का मेंबर बनाया जाए, तो मैंने उनसे एक बात कहा था। आज मैं पत्रकार भाइयों के सामने कहना चाहता हूँ, ये बात कभी मैंने किसी के माध्यम से नहीं कि आज कहना चाहता हूँ। मैंने कहा सर मेरी ये बड़ी दिली चाह थी कि मैं परिवहन में जाऊं। परिवहन में जाने का मतलब यह है कि परिवहन में यानी बस का सफर वही करता है जो मैंने समझा रफीक भाई कि गरीब लोग करते हैं। गरीब का मुराद वही करते हैं जिनके पास कार नहीं होती, जिनके पास कोई पर्सनल फैसिलिटीज नजमुद्दीन मलिक साहब नहीं होती है शेख भाई, तो ऐसे लोगों के लिए बस होती है और बस उनके लिए होती है जो जरूरतमंद होते हैं। तो अगर मैं उनकी खिदमत करूं, मुझे नहीं मालूम था कि अगर मैं सदस्य बन के गया तो मैं कलवा भास्कर नगर से मैं महागिरी तक बस चालू करवा दूंगा। मुझे इसका इल्म नहीं था, मैं खुदा कहता हूं ये अल्लाह ने मुझसे काम लिया। ऐसे बहुत सारे काम हुए, यहां से जो टीचर भी मंडी जाती है उनके भी मुबारकबाद पेश आते रहते हैं। तो मैं अपने नेता को इसके बारे में मुबारकबाद पेश करता हूं कि मुझे वो काम मिला है, ट्रांसपोर्ट का काम मिला है, जिस ट्रांसपोर्ट से मैं लोगों को उनके मंजिल से पहुंचा दूं। जिस तरीके से मुंबई मुमरा से मैंने ये 1986 मुंबई की बस चालू नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा भारत गैस से लेकर के मैंने मुंबई यानी मैं कहूं तो ग्राफक मार्केट तक मैंने ओलो बस चालू कराया। बड़ा में बहुत सारे जगह जाके एडमिट होना था, भिमंडी पहुंचना था, उस पोजीशन में बस चालू करवाया। मैंने आवाम से यह वादा किया था कि मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के नेतृत्व में मुमरा को एक टीएमटी के लिए एक बस डिपो दूंगा। अल्लाह का एहसान मानता हूं उसकी मंजूरी हो चुकी है। बहुत जल्द इस शहर को एक बस स्टॉप एक बस डिपो मिलेगा। बहुत सारे काम है, बस स्टॉप है, शेड बस स्टॉप है, रेडी बस स्टॉप है। अल्लाह का एहसान है कि मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, सुनो भाई पाजा भाई सोहेब भाई, ऐसा मुझे लगता है जब मैं यहाँ बैठता हूँ बस चलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुमरा में नहीं बल्कि बैठा हूँ भिंडी बाजार के अंदर, ऐसा मुझे एहसास होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब बैठे हुए ये डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के हम जो सब सिपाही हैं, ये सबकी एक ताकत होती है, हमारे इन साथियों की एक ताकत होती है जिससे मैं आगे बढ़ करके चाहे वो सभा जिला के अंदर आवाज उठाना हो, चाहे सभा जिला के बाहर बैठ के आंदोलन करना हो, तो मैं मेरे इन साथियों की ताकत पे, मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र की ताकत पे मेरे ये वादा करता हूँ कि ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आती रहेगी। शुक्रिया।